ग्रहों की दुनिया में आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित रोहित तिवारी धनु राशि वालों के 2023 के वार्षिक राशिफल को लेकर आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं। हम जानेंगे 2023 में धनु राशि वाले जातकों के ऊपर ग्रहों के पिटारे से क्या निकल कर आने वाला है, कितनी प्रॉब्लम्स रहेंगी या फिर कितनी अच्छी बातें 2023 में आपके जीवन में होने वाली है। कुछ ऐसी सटीक भविष्यवाणियां जो आपके जीवन में 100% होने वाली है तो मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। जरूरी है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर ऐसे ही वीडियोस हमेशा प्राप्त होते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2023 जो है धनुराशि वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ बड़े ग्रह जो स्थान परिवर्तन करेंगे 2023 में, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में चले जाएंगे, शनिदेव अपनी मकर राशि को छोड़कर अपनी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। तो इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। बात करें हम वार्षिक राशि फल की तो गुरु का गोचर पंचम भाव में आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भाई शिक्षा में बहुत ज्यादा लाभ मिलते नजर आ रहा है, शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, आपकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होगा। अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इस साल दिए गए सारे एग्जाम में एकदम परफेक्ट और 100% रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इस वर्ष स्टडी को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क भी कम नहीं करना है, मेहनत करना कम नहीं करना है। भाग्य से तो आपको मिल ही रहा है लेकिन कर्म करेंगे तभी भाग्य आपको दे पाएगा, तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। बाकी भाग्य से तो देवगुरु बृहस्पति आपको सक्सेस देने वाले नजर आ रहे हैं, भाग्य का बहुत ज्यादा साथ मिलेगा, विद्यार्थियों को सफलता मिलने का पूर्ण योग नजर आ रहा है, धन प्राप्ति के नए रास्ते जरूर खुलेंगे। अगर आप पैसे के लिए काफी दिन से परेशान हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, इनकम नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो भाई ये साल आपके लिए प्रॉफिट के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है, धन के रास्ते आपके खुल जाएंगे, धन लाभ आपको प्राप्त होगा, व्यापार आपका चलने लगेगा, एक तरह से भाग्य के द्वार आपके लिए 2023 में खुलने वाले हैं। उसी के साथ साथ प्रेम के मामले में, लव रिलेशन के मामले में ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, आपका अपने पार्टनर से लव रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। केवल नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए थोड़ा सा खराब रहेगा जो आपके लव रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। उसी के साथ साथ बात करें कि ये जो साल है वो संतान से संबंधित आपको लाभ जरूर देगा। अगर काफी समय से आप बच्चे के विषय में प्लानिंग कर रहे हैं तो ये साल बहुत अच्छा है, इस साल आपको संतान से संबंधित जो है समस्या जो आ रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या प्रेग्नेंट होने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो भाई इस साल ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ठीक तरीके से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में देवगुरु बृहस्पति की मदद से हेल्प मिल जाएगी। ग्रहों का योग बहुत अच्छा नजर आ रहा है, संतान संबंधी बड़े निर्णय होंगे, पुत्र संतान का योग प्राप्त हो रहा है, अचानक धन लाभ आपको मिल सकता है, भाई कहीं ना कहीं से अचानक आपको प्रॉफिट हो जाएगा, धन लाभ मिल जाएगा। कोई पैसा बहुत समय से कहीं फंसा हुआ है, जो पैसा निकल नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा था, तो वो पैसा इस साल आपको मिलने का पूर्ण योग नजर आ रहा है। भाई बहनों के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, बिजनेस को ग्रोथ करने में आपको काफी ज्यादा इस योग से हेल्प मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छी योग नजर आ रहे हैं, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। अगर पिछले समय से कोई मेहनत कर रहे हैं किसी कार्य को सक्सेस बनाने के लिए, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो भाई ये साल आपको सक्सेस मिल जाएगी, आपकी पहले की हुई मेहनत इस साल अपना रंग दिखा जाएगी और वो रंग होगा सक्सेस के रूप में। तो ये बहुत अच्छा योग नजर आ रहा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम भी नजर आ रही है, आपको अपनी मदर की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माता को कष्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है, रोग के कारण थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, आप अपनी मदर का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर की निगरानी में उन्हें बनाकर रखें, यह बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसा ना हो कि किसी रोग के कारण कोई प्रॉब्लम बड़ी हो जाए और आपको हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ जाए, तो इस चीज को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि कहीं ना कहीं राहु थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हुए नजर आ रहा है। आपके सुख के भाव को, आप अपने जीवन में खुश रहना चाहेंगे 2023 में, लेकिन कहीं ना कहीं से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको परेशान करने के लिए जरूर आ जाएंगी। उसी के साथ साथ व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा योग बनते नजर आ रहा है, पूरे वर्ष में सर्व सुख नामक योग बन रहा है, तो पूरा वर्ष
सुखमय व्यतीत होगा, सक्सेस मिलेगी, लेकिन जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे आपको लड़ने की जरूरत है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उनका सही तरीके से और सही समय पर अगर उनका इलाज करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो घबराना नहीं है, बिना घबराए और परेशानियों का डटकर सामना करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय महाकाल, हर हर महादेव।